हे गाइस, वेलकम टू जैक फ्रूट। तो इस मॉड्यूल में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव एनामलीज ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की एनामलीज को किस तरीके से रिमूव किया। तो सबसे पहले तो हम एनामलीज को लिस्ट कर देते हैं कि क्या एनामलीज हमको मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में मिलती है। एनामलीज इन मेंडेलीव्स टेबल। ओके, तो इसमें सबसे पहली चीज हम लिख सकते हैं कि एनामलस पेयर्स का मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको एटॉमिक मास के ऑर्डर में नहीं लिखा गया था, जैसे कोबाल्ट और निकल। ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है वो निकल से ज़्यादा होता है, बट कोबाल्ट को निकल के पहले लिखा गया था। सिमिलरली टेल्यूरियम एंड आयोडीन, ठीक है, इसमें भी जैसा एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ऑर्डर होना चाहिए उस ऑर्डर के हिसाब से नहीं लिखा गया था, क्योंकि जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज है, इसलिए ये एक एनामली के फॉर्म में हमें दिखता है कि कोबाल्ट आइडियली बाद में होना चाहिए बट उसको पहले रखा गया, टेल्यूरियम भी बाद में होना चाहिए बट उसको पहले रखा गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस एनामली को किस तरीके से दूर करता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमें अरेंज करना है चीज़ों को, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोबाल्ट पहले आता है और उसके बाद निकल आता है। तो एटॉमिक मास का हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कोबाल्ट हमेशा निकल से पहले आएगा। सेम गोज़ विद टेल्यूरियम एंड आयोडीन, टेल्यूरियम आयोडीन से पहले आता है। तो अगर एटॉमिक मास के बेसिस पे देखें तो ये चीज़ गड़बड़ दिखती है, बट यस, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दिस इज़ परफेक्टली फाइन। ओके, ठीक है। तो एक और हम एनामली की बात करते हैं। एक और एनामली हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आइसोटोप्स कुड नॉट गेट प्लेस इन मेंडेलीव्स टेबल। तो एटॉमिक मास के बेस पे चीज़ों को अरेंज किया जा रहा था, बट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को जगह नहीं मिल पाई। इस एनामली को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरीके से दूर करता है, अगेन क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो हमें जो भी एलिमेंट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एवरेज एटॉमिक मास के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज ऑल आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ऑल आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो जहाँ पे जो भी एलिमेंट रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे हाइड्रोजन है या मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे एलिमेंट, इनके सारे आइसोटोप्स का काउंट करके एवरेज एटॉमिक मास के साथ लिखा गया है। क्योंकि इन सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए इस पीरियोडिक टेबल में कोई भी एनामली नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वो ड्यूटेरियम हो, प्रोटियम हो या ट्रिटियम, उसका कोई भी आइसोटोप हो, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। और यहाँ पर जो एटॉमिक मास लिखा जाएगा दैट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 2 एनामलीज हैं जो हमने यहाँ पे ग्रीन से पॉइंट आउट की हैं, और ये रेड कलर में उसको किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमिनेट किया जाता है वो चीज़ें हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस। यानी दो हमें ऐसे एलिमेंट्स बताइए जो मैग्नीशियम की तरह ही बिहेव करेंगे। सी, पहले तो हम मैग्नीशियम को फाइंड आउट करते हैं कि मैग्नीशियम एग्जैक्टली है कहाँ पीरियोडिक टेबल में। सो मैं यहाँ देख सकता हूँ मैग्नीशियम इज प्रेजेंट हियर।
तो जो मैग्नीशियम होता है, मैं मैग्नीशियम के बारे में बात करूं तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 282। ओके, तो जो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिमिलरली मैग्नीशियम की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप डिफाइन किए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी ही यही होती है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं या फिर मैं स्ट्रॉन्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2882। सिमिलरली स्ट्रॉन्शियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2818 82। सो वी कैन अगेन सी दैट कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सो दे विल बिहेव इन अ सिमिलर फैशन एज दैट ऑफ मैग्नीशियम। व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस? इसको आंसर करने के लिए वी कैन राइट डाउन ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 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 हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हैं, देयरफॉर दे शो सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो वो सिमिलर केमिकल रिएक्शंस शो करेंगे क्योंकि उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम थ्री एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो हमें तीन एलिमेंट्स ऐसे बनाने हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो ग्रुप वन होता है हमारा, उनमें सारे एलिमेंट्स के पास वन इलेक्ट्रॉन होता है अपने आउटर मोस्ट शेल में। हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है सिंपली वन, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2-1, और सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-1 एट्सेट्रा। मैं पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूँ 2-8-8-1। तो ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एलिमेंट्स दैट हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगेन हमें यहाँ पे मूव करना पड़ेगा सेकेंड ग्रुप के लिए। सेकेंड ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टू होते हैं। बेरिलियम में एक ही शेल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम इज टू, सॉरी, बेरिलियम हैज़ 2-2, मैग्नीशियम हैज़ 2-8-2, कैल्शियम हैज़ 2-8-8-2। तो इन सभी केसेस में टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप 18 है, ये ग्रुप 18 जो है ये सभी के सभी फिल्ड आउटर मोस्ट शेल वाले ग्रुप होते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हीलियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 2-8, फिर आर्गन हैज़ 2-8-8। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल, फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए ऑलरेडी फिल्ड है 2-8-8। तो ये सारे ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम सोडियम पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद हाइड्रोजन लिबरेट हाइड्रोजन गैस, रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स? ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ये जो मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, उनमें क्या किसी तरीके कोई सिमिलैरिटी है? सो द आंसर इज यस, वो सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, लिथियम सोडियम एंड
पोटेशियम, उन सब के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब वो हाइड्रो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सो दे रिएक्ट इन सिमिलर फैशन टू फॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो अगर मैं इनकी रिएक्शन लिखूं, तो मान लीजिए हमारे पास लिथियम है। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगर लिथियम होगा, लिथियम वाटर से रिएक्ट करेगा, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पे लिथियम की जगह सोडियम होता या पोटेशियम होता, तो वो भी एग्जैक्टली सेम रिएक्शन देता और प्रोडक्ट में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता। सो ये ऐसा हो क्यों रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस, नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन? तो ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? नियॉन और हीलियम, इन दोनों की रिएक्टिविटी काफ़ी कम है, या नहीं के बराबर है। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? मैं इन दोनों की पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 2, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 2 8। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, जो फर्स्ट शेल है, तो ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है। इसी तरीके से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑलरेडी फुलफिल्ड है। तो ये दोनों के दोनों बोथ हैव फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। बोथ हैव फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, जिस वजह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द एलिमेंट्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, विच आर मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, यानी पहले जो 10 एलिमेंट्स हैं उनमें से मेटल कौन कौन से हैं? सो पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, तो जो मेटल्स नहीं है उनको मैं रेड से मार्क करता हूँ। उप्स, रेड नहीं, हम कोई और कलर चूज करते हैं। ओके, लेट्स से मैं उसको इस तरीके से क्रॉस करता हूँ। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, अगेन हीलियम इज नॉट अ मेटल, यस यहाँ पे हमारे पास लिथियम है जो कि एक मेटल है। उप्स, इसको भी हम किसी और कलर से मार्क करते हैं। लेट्स मार्क इट विद ग्रीन कलर। सो लिथियम इज़ अ मेटल, बेरिलियम इज ऑल्सो अ मेटल, बोरॉन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो पहले 10 एलिमेंट्स जो हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ लिथियम एंड बेरिलियम आर मेटल्स, ठीक है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन ऑल्सो हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बट इट इज अ नॉन मेटल। तो लिथियम और बेरिलियम सिर्फ मेटल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय कंसीडरिंग देयर पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर? तो हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड बेरिलियम। तो इन सब के बेसिस पे हमें पूछा गया है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा मेटैलिक जो है वो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पता करने के लिए पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटैलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटैलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो
इस तरीके से हम देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आने में मेटैलिक कैरेक्टर किस तरीके से चेंज होता है। तो लेट्स फर्स्ट नोट डाउन देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल। हमें बेरिलियम दिया गया है, हमारे पास गेलियम है, हमारे पास गेलियम, सॉरी दिस इज नॉट गेलियम, हमारे पास गेलियम है, उसके बाद हमारे पास जर्मेनियम है, उसके बाद हमारे पास आर्सेनिक है, और उसके बाद हमारे पास सेलेनियम है। तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। सिर्फ गेलियम जो है विच इज़ अ मेटलॉइड, ठीक है, बट बेरिलियम हियर इज़ अ मेटल। तो बेरिलियम एक मेटल है, गेलियम इज अ मेटलॉइड, ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम आ रहे हैं, जर्मेनियम आर्सेनिक भी एक्चुअली मेटलॉइड्स ही हैं, और सेलेनियम वी कैन से इट इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है उसके हिसाब से हमारा मेटल आंसर हो जाएगा बेरिलियम मेटल। बेरिलियम की जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो हाईएस्ट होगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, थैंक यू।